बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। वेलकम टू मैथ डॉट क्लाउड। और आज हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ जीरो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर हमारे पास हो तो इसकी इंटीग्रेशन हम चेक करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल के केस में और इनडेफिनेट इंटीग्रल के केस में। अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स, हम जानते हैं बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज इक्वल टू जीरो। अब अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां पे हमारे पास हम देखेंगे dx और dx कैंसल आउट हो गए। ये एक्चुअली कैंसल आउट होते नहीं है, इस तरह हम कटिंग कर नहीं सकते, लेकिन ऐसे जो छोटे जो लेवल पे हम ऐसे दिखाने के लिए कटिंग कर देते हैं, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। ये इंटीग्रल और डेरिवेटिव एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स या इनवर्स फंक्शन जो होते हैं उनकी डेफिनेशन होती है एफ इंटू एफ इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन। एक्चुअली जो लॉजिक यूज हो रही होती है बिहाइंड, वो कुछ ये इनवर्स फंक्शंस की लॉजिक यूज हो रही होती है यहाँ पे। बहरहाल तो हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा डी सी इज इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स। और हम ये भी जानते हैं अगर हम वन को इंटीग्रेट करें एक्स के लिहाज से तो हमारे पास एक्स आता है। अब यहां पे एक्स की जगह अगर हम कोई और वेरिएबल रिप्लेस कर दें तो यहां पे वाई आ जाएगा। इसी तरह यहां पे अगर आप देखें सी है तो हमारे पास यहां पे सी आ जाएगा। तो जीरो का एंटी डेरिवेटिव हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन आ जाएगा। ये फैमिली ऑफ कांस्टेंट नंबर्स है, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है, और ये एक कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब हम ये तो हो गया इनडेफिनेट इंटीग्रल का केस, अब हम डेफिनेट इंटीग्रल का केस कंसीडर करते हैं। इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी जीरो डी एक्स, ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास अगर हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को देखें, वो हमें कुछ इस तरह का रिजल्ट जो होता है एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ये एक्चुअली होता कुछ यूं है कि जब हम एफ यहां पे एंटी डेरिवेटिव है एफ ऑफ एक्स का, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर स्मॉल एफ ऑफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ ऑफ एक्स हो तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, लिमिट्स आ जाएंगी, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे। हम पुटिंग जो करते हैं वो वेरिएबल की जगह करते हैं, यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल एक्स है तो अपर लिमिट अप्लाई की माइनस फिर एक्स की जगह लोअर लिमिट। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस कहलाता है। अब यहाँ पे क्या होगा, अभी हमने देखा कि हमारे पास जीरो का एंटी डेरिवेटिव कांस्टेंट फंक्शन था, तो यहां पे हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन सी आ जाएगा और साथ में लिमिट्स आ जाएंगी। अब हमने एक्स की जगह, क्योंकि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन एक्स है, तो एक्स की जगह हमने अपर और लोअर लिमिट अप्लाई करनी है। लेकिन अगर हम एंटी डेरिवेटिव में देखें यहां पे एक्स इन्वॉल्व नहीं है, लिहाजा अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो सी आएगा,
माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो फिर भी सी आएगा, सी और सी जब कैंसल आउट हो जाएंगे हमारे पास जीरो आ जाएगा। तो यहां से हम कंक्लूड करते हैं कि जीरो का एंटी डेरिवेटिव इनडेफिनेट इंटीग्रल के केस में कांस्टेंट फंक्शन आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये कांस्टेंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और डेफिनेट इंटीग्रल के केस में हमारे पास जो एंटी डेरिवेटिव आएगा वो जीरो होगा। अगर हम ज्योमेट्रिकली देखें इसकी मीनिंग ये डेफिनेट इंटीग्रल के केस में, तो ज्योमेट्रिकली कुछ यूं होगा कि जीरो, तो जीरो हमारे पास एक्स एक्सिस पे आएगा, और डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब होता है एरिया अंडर दी कर्व। अब ये देखें, अगर हमारे पास यहां पे ए है और यहां पे बी है, तो ये हमारे पास जीरो फंक्शन, ये लाइन जो होगी ये जीरो फंक्शन की एक्चुअली लाइन है, वो आगे तक टिल इंफिनिटी तक, तो एरिया अंडर द कर्व, तो इस लाइन के अंडर एरिया जीरो होगा, क्योंकि जब हम एरिया की अंडर द कर्व बात करते हैं तो हम देखेंगे कुछ इस तरह ये वाला एरिया। लेकिन इस केस में एक्स एक्सिस के ऊपर ये हमारे पास जो कर्व आ रही है या जो ग्राफ आ रहा है हमारे पास जीरो का, वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, लिहाजा एरिया अंडर द कर्व इस केस में जीरो होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है इंटीग्रेशन ऑफ जीरो की इन केस ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल एंड इन केस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ये आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल math.cloud को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।